और मैं जा रहा हूँ पापा के घर। एक्चुअली पापा आने वाले थे मेरे को लेने के लिए, फिर हम दोनों साथ में फैक्ट्री जाते, पर पापा को थोड़ा टाइम लगे तो मैंने सोचा चलो वॉक हो जाएगी इसी बहाने। तो मैं पापा के घर जा रहा हूँ वॉक करते हुए, होपफुली शायद रास्ते में मिल जाए। ये देखिए पेड़ों का फायदा, छाया में खड़ा हुआ हूँ, वरना धूप में तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पे। हालांकि धूप है नहीं, बट थोड़ा सा भी शेड से बाहर आई है तो पसीने आने लगते हैं। नेचर का यही फायदा है कि आपको फ्री में ठंडी हवा, शेड, फ्रूट्स, लकड़ी सब मिलता है नेचर से। और ये पापा आ रहे हैं रास्ते में, पीछे दिख रहा है आपको? मैं रास्ते में रुक गया था कि रास्ते में रोक लेते हैं, तो पापा विल बी सरप्राइज। तैयार होके मैं थोड़ा सोचा आज वॉक कर लूं, तो पैदल पैदल ही आ गया मैं। जा रहे आपको तो यार सीढ़ियां सीढ़ियां ऊपर अंदर, काम कुछ ना कुछ मैंने कर ही लो यार। अबे यार शुगर चेक की थी आज? शुगर चेक नहीं करी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। कल की वीडियो में चिली पटेटोज को देखकर बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसकी रेसिपी की डिमांड की है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 parts कॉर्नफ्लावर, 1 part मैदा लिया है, थोड़ा सा काली मिर्ची और नमक डालकर इसका एक बैटर बना लेंगे, नॉट टू रनी नॉट टू थिक। बैटर तैयार करके रख लिया मैंने, इसके साथ चाहिए थोड़ी सी चीज़ें तो वो भी मैंने चॉप कर लिए हैं। ये है 2-1 प्याज, इस तरह काट लिया है मैंने। प्याज थोड़े ज़्यादा भी होंगे तो चलेंगे, मेरे पास लास्ट 2 ये पड़े थे तो मैंने ये प्याज थोड़ा कम ही रखा हुआ है। आप और भी ज़्यादा प्याज रख सकते हो, और चाहें तो इसको स्लाइसिस कर लीजिए, चाहें तो इसके फिर इस तरह के क्वार्टर्स निकाल लीजिए। ये मैंने थोड़े ज़्यादा छोटे काटे हैं क्योंकि मेरे पास कम था ना प्याज, तो मैं बड़े बड़े काटती तो वो और भी कम लगता। थोड़ा सा ये है अदरक काटा हुआ, थोड़ा सा ये है गार्लिक चॉप करके, और क्योंकि हम बना रहे हैं चिली पटेटोज तो चिली जाएंगी इसमें। हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। आप इसका कलर देखिए, जितना ज़्यादा लाइट कलर रहता है ना मिर्ची का, और जितनी ज़्यादा वो मोटी लंबी होती हैं तो उतनी वो नॉन तीखी रहती हैं, तो ये बहुत तीखा नहीं है। और ये बेसिकली मैं मेरे लिए ही डालती हूँ, बाकी कोई चिलीज नहीं खाता है। मुझे ये फ्राई टाइप्स की चिलीज पसंद आती हैं। अगेन ये बहुत तीखी नहीं है, आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा, कम तीखा ज़्यादा तीखा आप ले सकते हो। एंड देन थोड़े से कैप्सिकम्स, तो ये 3 बहुत छोटे छोटे कैप्सिकम्स थे, तो प्याज और कैप्सिकम मेरे लगभग बराबर ही हो गए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप प्याज ज़्यादा लें, कैप्सिकम ज़्यादा लें। ये तो हो गया सब्जियाँ तैयार। हाँ, ये जो स्लरी बोल लीजिए, बैटर बोल लीजिए, कॉर्नफ्लावर और मैदा का ये तैयार कर लिया है। बाय द वे इसमें कॉर्नफ्लावर मैदा बराबर जाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 cup मैदा है तो 1 cup ही कॉर्नफ्लावर जाएगा, बट मेरा मैदा भी ख़त्म हो गया है और मैंने अभी तक ग्रॉसरी लाया भी नहीं इस महीने का, तो मैंने यहाँ पे 2:1 रखा है, यानी कि 2 parts कॉर्नफ्लावर, 1 part मैदा, ऐसा भी आप कर सकते हो। अगेन चिली पटेटोज हैं तो इसके लिए चाहिए आपको पटेटोज, तो यूजुअली पटेटो काट कर तैयार करते हैं, बट मेरे पास ये मकेन्स का फ्रेंच फ्राइज रखा हुआ था जो कि हम लोग बहुत वक्त से यू नो इस्तेमाल नहीं करे, ये फ्रीज़र में बहुत महीने अच्छा रहता है, तो इसको फ्रेंच फ्राई की तरह फ्राई करके खा सकते हो, बट मैं आज इसी से ही जो अपना यू नो चिली पटेटोज है वो कर लूँगी, सो दैट आई गेट सम स्पेस इन माई रेफ्रिजरेटर। मुझे रेफ्रिजरेटर भी क्लीन करना है, तो मैं चीज़ें फिनिश कर रही हूँ। अब मैं ये जो रेडीमेड फ्राइज़ हैं इसको बैटर में डुबो के फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास फ्राइज़ नहीं है तो आप आलू को काट लीजिए इस शेप में, और इसके बाद उनको पार बॉईल कर लीजिए, अच्छी तरह सूखा और ठंडा कर लीजिए, और इसके बाद फिर से इस तरह कोट करके, ये जो स्लरी हमने बनाया ना इसमें कोट करके फ्राई कर लीजिए। तो एक एक करके मैं सारी जो फ्राइज़ हैं इनको फ्राई करके रख लूँगी, और पैरेलली जब मेरा ऑलमोस्ट लास्ट वाला बैच चल रहा है ना फ्राई करने के लिए, तो मैं दूसरा वोक चढ़ाऊँगी और इसमें सेम ऑयल डाल देंगे, फ्लेवर हो गया है इस ऑयल में, तो ये डाल सकते हैं आप। और इसमें जो कटे हुए अनियंस, जिंजर, गार्लिक थे वो ऐड कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा सौते करना है।
बहुत कलर नहीं देना, थोड़ा ही थोड़ा भूनिए और इसके बाद इसमें हरी मिर्चें और कैप्सिकम ऐड कर दीजिए। इनको भी थोड़ा ही भूनना है आपको, एकदम ही कुक्ड और कलर्ड नहीं करते हैं चाइनीज़ कुकिंग में, बस फास्ट फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा भूनते जाते हैं। ऐड करेंगे यहाँ पे डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमेटो केचप, वेज अरोमेट पाउडर एंड विनेगर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। सभी चीज़ें आप 1 स्पून ले सकते हो, अरोमेट पाउडर 1 टीस्पून लीजिएगा, बाकी सब 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह मिला दीजिए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है और इसमें दुगना तिगना पानी डालकर इसकी एक स्लरी बना ली है। अब ये स्लरी भी इसके अंदर जाएगी। ये बेसिकली आपका जो ये सॉस वगैरह है ये सबको एक बॉडी देने का काम करती है, एक थिकनिंग एजेंट होता है कॉर्नफ्लावर। तो ये जो आपका जो ग्रेवी जैसा बन रहा है ना, ये अच्छा स्मूथ सिल्की शाइनी बनेगा, इसलिए कॉर्नफ्लावर ऐड किया जाता है। ज़्यादा थिक हो जाए तो थोड़ा पानी मिला सकते हैं, और जब सॉस की कंसिस्टेंसी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से हो तो ऐड कर दीजिए सारे के सारे पोटैटोज़ और अच्छी तरह टॉस कर दीजिए। सारा काम फास्ट फ्लेम पे करना है, फटाफट करना है, जल्दी से कोट कर दीजिए सो दैट आपके जो पोटैटोज़ हैं उसकी क्रिस्पीनेस लॉस्ट ना हो जाए। मिक्स होते ही आप बस इसे निकाल लीजिए। यह है चिली पोटैटो की रेसिपी। हनी पोटैटो की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट रहती है, वो भी मैं जल्दी ही आपके साथ किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी, बट ये रेसिपी माइंड ब्लोइंग है, आप ट्राई जरूर दीजिएगा। फाइनल रिजल्ट, और सबके चेहरों पे है एक खुशी, एक और खुशी। ऑसम ऑसम है, जरूर ट्राई करना। वाओ, दिस इज सुपर टेस्टी मैन। ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, वाव कितना ग्रीन लग रहा है। दिस कॉल्स फॉर कॉर्न्स। और ये है भुट्टे, 3-4 भुट्टे हैं ये, इसके ये दाने मैंने निकाल लिए हैं। इसको अच्छी तरह वॉश कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। और मैं इसे बॉईल तो कर रही हूँ कुकर के अंदर, बट सीटी नहीं लगाऊंगी इसको, ऐसे ही ओपन इसको बॉईल होने देंगे। और इसके अंदर ऐड करना है आपको सॉल्ट, थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट ऐड करना है, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ा अच्छे से सॉल्ट ऐड कीजिए। इसके बाद इसको अच्छे से स्टर दे दीजिए और इसको बॉईल होने दीजिए। ये अराउंड 7 to 10 मिनट्स में इस तरह ओपन पैन में भी बॉईल हो जाएंगे। और ये बेसिकली अमेरिकन कॉर्न है, अमेरिकन मकई करके बाहर जो मिलती है ना भुट्टा, वो ये थोड़ी सी ज़्यादा टेंडर और ज़्यादा स्वीट रहता है। जो देसी मकई होती है वो थोड़ी सी येल्लो होती है, आप इसका कलर देखोगे लाइट है ना, जो देसी मकाई होती है वो थोड़ी येलो होती है और उसका टेस्ट थोड़ा कम स्वीट रहता है। तो जो कॉर्न की रेसिपीज़ हम बनाते हैं ना, स्वीट कॉर्न बनाते हैं या तो कॉर्न का सब्ज़ी या बहुत चीज़ें बनती हैं, अभी पकौड़ा बनते हैं, कटलेट्स बनते हैं, वो चीज़ बॉल्स बनते हैं, उस सब में ये अमेरिकन कॉर्न का ही इस्तेमाल करते हैं एंड यही बेसिकली बाहर ज़्यादा मिलता है। तो इसे अभी बॉयल होने देंगे। कॉर्न्स की शक्ल देखिए कितने ज़्यादा पीले हो गए हैं और राउंड हो गए हैं, थोड़े से फूल भी गए हैं ये, और आप इसे पिचका के देख सकते हो अच्छी तरह से फूट जाएगा। वैसे 10-12 मिनट में ये हो ही जाता है, इन कॉर्न्स को पकने में बहुत वक्त नहीं लगता। बस इन्हें स्ट्रेन कर लीजिए एक छलनी के अंदर और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। वैसे इसका जो पानी है ना वो सारा का सारा निकाल देना इज़ द पर्पस। आगे इसको हम प्रोसेस करेंगे तो बिल्कुल ही ड्राई कॉर्न आपके पास तैयार होने चाहिए, वो रूम टेम्परेचर हो, वार्म हो, हॉट हो तो भी चलेगा। वॉक में मैंने डाला है थोड़ा सा बटर, रेगुलर सॉल्टेड अमूल बटर है ये, और इसके अंदर ऐड कर दिए हैं कॉर्न। कॉर्न एकदम ही गर्म है, आप देख सकते हो इसमें से भाप निकल रही है। बस अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। ऐड करेंगे इसमें स्वाद के हिसाब से नमक, चाट मसाला, काली मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी चीनी और एक थोड़े बड़े नींबू का रस। अब जो नमक है हमने कॉर्न उबालते समय भी डाला था, बटर में भी सॉल्ट है तो सॉल्ट थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। रेड चिलीज़ अगर आपको ये स्पाइसी पसंद आएगा तो ज़्यादा डाल सकते हो, अदरवाइज़ थोड़ी सी रेड चिलीज़ काफ़ी हो सकती हैं। ये सारे ही मसाले आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। काली मिर्ची पाउडर भी डाला है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा रेड चिली पाउडर डालते हुए। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, इन नो टाइम आपका ये स्वीट कॉर्न तैयार भी हो जाता है। और यहाँ देखिए ये जो जूस जैसा दिख रहा है ना, ये होना चाहिए। आप ध्यान दें तो हमने कॉर्न को एकदम ही ड्राई कर लिया था, फिर भी ये जूस यहाँ है क्योंकि हमने बटर पिघलाया है, नींबू का रस डाला है, तो उसकी वजह से ये जूस आता है। और ये जूस ही एक्चुअली आपका जो स्वीट कॉर्न है उसको मार्केट वाला टच देता है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा।
and relish your sweet corn in just no time. और मैंने ना ढेर सारे कॉर्न बॉयल किए थे, जैसा कि आपने देखा. आई वॉज़ प्लानिंग कि मैं इसका ना करी करूँगी. फिर हमने स्वीट कॉर्न खा लिया, तो उसके बाद फिर करी करने का मन नहीं हुआ, किसी को भी खाने का मन नहीं था. तो आई थॉट थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसका खिचड़ी विचड़ी कर दूँगी, पुलाव वगैरह कर दूँगी. बट देन सब ने मना कर दिया, किसी को भी खाने का मन नहीं था. तो वी हैड सम फ्रूट्स, थोड़े आम रखे हुए थे, तो वो हम लोगों ने खा लिया. और अभी तक तो किसी का मन नहीं है, एंड आई थिंक अभी मुझे कुछ खाना वाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं. किचन मेरा क्लीन हो चुका है. और कल मोस्ट प्रोबेबली कल पापा का वो जो टीवी यूनिट होता है ना, जैसे आपने मेरा देखा है बाहर, वो कैसा है, मोर और लेस सेम ही तरह का. वो जो नीचे जो ड्रॉअर सिस्टम है ना, वो नहीं होगा. बाकी वो बोर्ड एंड ऑल वो सब मोर और लेस सेम ही तरह का बनने वाला है. और वो DIY करने वाले हैं पापा और शर्मा जी मिलकर. दे बोथ आर सो एक्साइटेड अबाउट इट कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. और मेरा वाला जो है, मैंने भी आपको दिखाया था, आपने अगर वो व्लॉग्स देखे हो, वो भैया ने एक वाइट कलर का वॉलपेपर लगाया था जो लुकिंग नथिंग लाइक अ वॉलपेपर एट ऑल. तो हम लोगों ने, मतलब मैंने फिर अमेज़ॉन से ये मंगाया और हम दोनों ने मिलकर वो लगा दिया था. तो अभी वो बाहर बहुत अच्छा लगता है, बहुत उन्होंने मुझे बोला है कि वो अच्छा दिखता है. तो सेम कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि जाछा परका है, तो पापा का भी करने वाले हैं. एंड यस, मुझे एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज रिसीव हुआ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड था. आप लोगों को भी बहुत मिलते होंगे, सुबह में तो सबको बहुत ज़्यादा मिलते हैं. बट मुझे इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी. आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू. एंड इट इज़ अबाउट कर्मा. हम सभी लोग कर्मा में बिलीव करते हैं, एटलीस्ट मैं तो करती हूँ. मैं बहुत मानती भी हूँ लॉ ऑफ कर्मा को. और मेरा जो नॉलेज है वो अभी तक इतना ही था कि आप जैसे कर्मा करते हो ना, घूम फिर कर वही आपके पास आता है. दुनिया गोल है. लेकिन मुझे ये मैसेज पढ़कर पता चला कि कर्मा इज़ अ लॉट मोर देन व्हाट यू डू. एक्चुअली हमारे शब्द भी कर्मा है. इट वाज़ अ नारेशन, इट वाज़ अ डायलॉग बिटवीन द्रौपदी एंड श्री कृष्णा. तो मुझे पता है, अभी मैंने आपको बता दिया, आप में से बहुतों को याद आ गया होगा अगर आपको वो मिला होगा, आपने वो पढ़ा होगा. बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ. तो इस मैसेज में ऐसा लिखा हुआ था कि जो युद्ध हुआ था ना महाभारत का, तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे विनाश हो गया था, बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी थी. और इस सब के चलते जो द्रौपदी थी, उनकी हालत 40 वर्ष की आयु में 80 साल की जैसी दिखती हूँ ऐसी हो गई थी. शी वॉज़ सो डेवस्टेटेड, हार्ट ब्रोकन, डिसअपॉइंटेड, और उनका रोना मतलब रुक ही नहीं रहा था. तो फिर कृष्णा उनके पास पहुँचे उनकी सुध लेने के लिए. कृष्णा को देखते ही वो उनसे लिपट कर रोने लगी, क्योंकि वो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी ना. तो उन्होंने कहा कि सखा ये क्या हो गया. तो कृष्णा ने कहा कि क्यों द्रौपदी, तुम ये तो चाहती थी ना. तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं चाहती थी, मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी, बट नॉट एट दिस कॉस्ट. इतना बुरा हो ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था. तो उन्होंने कहा कि लेकिन तुम जो बदला लेना चाहती थी वो बदला पूरा हो चुका है, कौरवों का नाश हो चुका है, पूरे कुल का ही नाश हो चुका है, यू शुड बी हैप्पी नाउ. बट शी वॉज़ नॉट हैप्पी एट ऑल. कृष्णा ने उनको फिर से कहा कि तुम चाहती तो तुम युद्ध को रोक सकती थी ना, तो ये एक्चुअली तुम्हारे चाहने पर ही हुआ. तो शी वॉज़ लाइक कि तो क्या इस सब का कारण मैं हूँ, ये जो विध्वंस हुआ है, ये जो विनाश हुआ है, इस सब का कारण मैं हूँ क्या. तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी, खुद को इतना इम्पॉर्टेंट मत समझो. कोई भी इंसान इतना इम्पॉर्टेंट इस धरती पे कभी नहीं हुआ है कि उसकी वजह से कोई इतना बड़ा चीज़ हो जाए. थिंग्स आर एक्चुअली डेस्टाइंड. और जो इंसान होते हैं या जो एक्ट होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, वो सिर्फ एक रास्ता मात्र है वहाँ तक जाने के लिए. तो वही द्रौपदी के साथ हुआ. उन्होंने कहा कि अपने आपको इतना इम्पॉर्टेंट मत समझो. तो उन्होंने कहा कि बट मैंने ऐसे किया, अगर मैं इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं हूँ तो फिर मेरा दोष क्या है. तो उन्होंने कहा कि तुमने किया कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट योर वर्ड्स. शायद तुम्हें नहीं पता बट हमारे शब्द भी कर्मा है. तो मैं एक्चुअली इसी बारे में आपको बताना चाहती हूँ. दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, इट्स अ न्यू डिस्कवरी फॉर मी कि हमारे शब्द भी हमारे कर्मा का पार्ट होते हैं. हम कब क्या बोलते हैं वो भविष्य में किसी और को या हमको कहाँ तक ले जाएगा, ये बहुत हद तक उन शब्दों पे भी डिपेंड करता है. तो शब्द की वैल्यू भी एक्ट के बराबर है. उन्होंने द्रौपदी को फिर समझाया कि अगर तुमने अंधे का
उनका पुत्र अंधा कह के उनकी बेइज्जती नहीं की होती तो शायद उनके दिल में उतना घाव नहीं लगा होता और चीज़ें यहाँ तक नहीं आती। अगर तुमने इनिशियली जब कुंती माता ने कहा था कि जो भी लाए हो बांट लो, पांचों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया होता, अपने हक के लिए खड़ी हुई होती कि नहीं जिसने मुझे जीता है मैं उसी की वाइफ बनकर रहूँगी, तो भी शायद डेस्टिनी कुछ और होती। एंड इन द वेरी फर्स्ट प्लेस अगर कर्ण को भी स्वयंवर में भाग लेने दिया होता तो बिल्कुल ही अलग कुछ डेस्टिनी होता। तो ना सिर्फ हमारे कर्मा बल्कि हमारे शब्द भी हमारे कर्मा का पार्ट होते हैं। हमारे कहने से हम भी और कोई और भी किस हद तक हर्ट होता है, किस हद तक एक्चुअली अफेक्ट होता है, इससे डेस्टिनी निर्धारित होती है। तो ये छोटा सा जो इंसिडेंट है मुझे लगा, क्योंकि मेरे लिए इट वाज एन आई ओपनर, मेरा जो यू नो थॉट प्रोसेस था वो ऐसा कभी नहीं था। मुझे पता था शब्द थॉट्स बहुत मैटर करते हैं, बट दीज आर पार्ट ऑफ कर्मा एंड ऑल। आई होप आप मैं क्या सोच रही हूँ मैं शायद उसको शब्दों में पुट नहीं कर पा रही हूँ, बट इट वॉज समथिंग रियली मीनिंगफुल दैट आई केम अक्रॉस लेटली, सो आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू, सो आई शेयर्ड। आई होप आप में से कुछ लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, ये अच्छी बातें हैं। मैं वैसे कृष्णवाणी में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं। अगर उनके शब्दों का महत्व समझा जाए तो हमारी लाइफ एक्चुअली चेंज हो सकती है। और हमारे जो होली पुस्तकें हैं वो बेसिकली इसी बारे में है ना, इंसान की अपनी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके फिर एक्सपीरियंस लेकर सुधरने का, बुद्धि ग्रो करने का, मच्योर होने का। तो दूसरों की कही हुई अच्छी बातें या एक्सपीरियंसेस से अगर हम सुधर सकते हैं तो व्हाट कुड बी बेटर देन दिस। तो बस इसी गुड थॉट के साथ आ गया हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और वीडियो में दिखाई गई रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं, रेसिपी ट्राई करना आपको अच्छी लगेगी, ईजी वाली थी। एंड इफ़ यू वॉन्ट सम काइंड ऑफ इंडल्जेंस वेन एवर आप ये कर सकते हो। और अब मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट।